तड़का का गाम मेरे ख्याल में सब तो बढ़िया टाइम है नेचर ने फील करण का। वेलकम सबका, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आ जाओ अच्छी बात करके आ जाए। ओवरऑल थ्योरी हर एक्सरसाइज में लागेगी, हर एक एक्सरसाइज। बस राइट भी गई पहली एक्सरसाइज जो कि दुनिया की सबसे फेमस एक्सरसाइज है। हाँ, तो आज मेरा लेग डे दोबारा आई। मेरा वर्कआउट लेग चेस्ट बैक शोल्डर, फिर वो रिपीट। रेस्ट में लिया नहीं करूँ, बिकॉज रेस्ट यार नीड ना होती रेस्ट की। डेली वो खाना खाने लग रहे, डेली नहाने लग रहे हैं, डेली वर्कआउट करने के लिए स्लीप बतेरी है 8 घंटे की, स्ट्रेचिंग तो आए हैं। सो प्री वर्कआउट क्या रहा है, जो पीट है सीधा लेग डे फोड़ते हैं। हाँ, कई लोगों ने अब डाउट होगा आर्म्स नहीं करे मैंने, तो आर्म्स का मैं स्पेसिफिकली कोई दिन ना दिया रहा, क्योंकि आर्म्स मैंने कभी बोरिंग लागे, कुछ छोटी छोटी मसल है भाई, हट रहेगी उसमें ज़्यादा एग्जॉस्ट तो होती ना दी। तो इस मारे मैं चेस्ट गेला ट्राइसेप मार ली, बाइस बैक गेला बाइसेप मार ली, या अपोजिट कर लिया, वो करता रहा रोइंडल। लास्ट में एक या दो एक्सरसाइज मार दिया रहा उसकी, बट स्पेसिफिकली कभी कोई दिन ना दिया रहा। चलो यो ठीक है, चलते हैं जिम। बाकी कट का आज 5वां दिन है, इतना मजा आ रहा जाम कति डाइट डाइट लग नहीं रही। आई गेस पूरी तैयारी आने मेरा बस। चलो स्क्वाट्स, मेरे ख्याल में पूरी जिंदगी एक एक्सरसाइज चूज करनी होना थाएगी इस तो पर एक्सरसाइज ना, मतलब मैं हर लेग डे दिन मेरी पहली एक्सरसाइज यही हुआ है हिल एलिवेशन भाई, सब तो जरूरी। जिनकी काफ स्टिफ है जिनके स्क्वाट्स ना लगते पूरा डीप वाले, वो हिल एलिवेट कर लो अपनी क्यों करे। ये जूते भी आ रहे वेट लिफ्टिंग के, मैं थोड़े महंगे आऊँ मैंने, पापा तो ये देशी जुगाड़ से ही। लास्ट टाइम मैंने हर स्क्वाट में नीचे होल्ड करूँ था, आज ना करूँ। आज नॉर्मल टेम्पो, आज हिप टेम्पो बना ध्यान दूँ था मैं। ब्रीदिंग के चक्कर में रैप पे भूल गया, मेरा ना कि मेरा बोले कर बारा मारने के। इसमें भी सेम ब्रीदिंग प्रोसेस, ऊपर पूरा ब्रीदिंग नीचे गए फिर छोड़ना है, वो एक और टाइट रहा है। और वाली थ्योरी हर एक्सरसाइज में लगेगी, हर एक एक्सरसाइज हमारा कोर टाइट नहीं है ना, तुम उतना लिफ्ट ना कर पाओ। बीस बार हुए
मैं सारे लैब भूल गया हूँ, मैं समान लेकर गया हूँ। अरे भाई सोचो कर दिया तैयार, बीच बीच की दो आर्डर है सुन पी लो। पिछली बार आई गैस बेचारे आप मारे थे, कटिंग वो चल रही है, हालात तो पूजा बाकी थे अच्छा रैप कर दूंगा। मजा आ गया, छह रैप कति क्लीन, ओ जी पार्ट क्या कति। इब अगली एक्सरसाइज लंजेस लेते हैं। हाँ भाई स्क्वाट में लास्ट सेट में या मैं तो कहूँ सारे सेटा में जिसका पोस्चर सही नहीं अपना बेल्ट ला लिया रो, बेल्ट थोड़ी बैक स्ट्रेट रखेगी। मेरा तो पोस्चर मेरी फॉर्म बहुत सही है, मैंने वेर आइस मारे मैंने ला जरूरत पड़ती लाने की, बट उसने ठीक करती बेल्ट ला सको कोई दिक्कत ना है, मैं तो हालांकि ना यूज़ करा रो। सो अपने भी या तो लास्ट के दो सेट में या सब में कोई दिक्कत ना है बेल्ट जरूर ला लिया रो फॉर सेफ्टी रीजन। चलो लंजेस की कई सारी वेरिएशन है, तो वॉकिंग स्टैंडिंग एक वो बुल्गारियन का आ रहा है, रोमेनियन का आ रहा है, एक पैर पर उस पर मैच पर, तो कोई भी लगा लो लंजेस तो हमारे ख्याल में सब तो डेडलीस्ट एक्सरसाइज है, तो या तो एक जरूर होनी चाहिए हर लेग के वर्कआउट में कोई भी वेरिएशन। आज मैं डंबल स्टैंडिंग वाली आ जाओ गंदी एक्सरसाइज नहीं धरती पे। अरे वाह हाल तो देख सको मर गया कभी एक बोल रहा है स्पोर्ट्स की हेड स्क्वाट बस वह मार दो खत्म। अरे भाई वर्कआउट हो गया, लास्ट की दो तीन एक्सरसाइज रिकॉर्ड ना करी, सारी लाइट चली गई जिम की। तीसरी मेरी हेड स्क्वाट थी उसकी यह वीडियो रही एक, और एक मैंने डंबल डेड वो डंबल को राड ते हैमस्ट्रिंग की डेड लिफ्ट मारी थी, और एक काफ रेसिस बस खत्म, तीन क्वाड्स की एक हैमस्ट्रिंग की और एक काफ्स की। थोड़ी पीछे चेक कर दिया
झड़ा है सब क्यों यार, अरे रे झड़ा है सब क्यों इतनी बूंदी गर्मी। अरे भूख लाग रही अल्टीमेट, थाई वाले दिन पीछे तो जो भूख लाग है पूरा चला, अरे अंडे और ब्रेड पड़ा। हे राम आ जाओ भाई, फाइनली हफ्ता हो गया खत्म। हर ही हफ्ता तो अभी लॉन्ग वीकेंड, क्यों मंडे का 2 अक्टूबर छुट्टी है, मतलब मेरे ख्याल में हर नौकरी वाला भी इस टाइम इतना राज्य होगा बहुत का, उनका दर्द भी मैं समझ सकूं भाई। ये अपना प्रोटीन शेक लास्ट मील यार, यही जिंदगी है। 5 दिन घिसो, 2 दिन आ गए। पहला 2 दिन मैं इन्हू सोचा तक इंजॉय करूँगा, अंडूँगा फिरूँगा नून करूँगा, ये 2 दिन और बल्कि और असल करनी पड़ा है। क्यों? लॉन्ग टर्म कुछ सोचना है, कुछ जीना है सुकून की ज़िंदगी, तो ये 2 दिन और घिसने पड़ेंगे। और रही बात पार्टी शार्टिया की, सोशलाइजिंग की, वह ज़िंदगी तो अपनी कति ख़त्म हो ली। क्यों? असल में यार मैंने एक चीज़ देखी है, जो आदमी डाइट डूइट पर है ना, उसने सोसाइटी ढंग तक ट्रीट ना करती या एक्सेप्ट ना करती, तुम कि डाइट फोन ला ले और कोई थरता है तुम कि चले गए, चलो आउटिंग पर चले गए, किसी का बर्थडे है, किसी भाई का ब्याह, कुछ भी एक्स वाई जेड थरते, कोई नू ना कहे अक भाई नहीं तू डाइट पर है तू फॉलो रहा कपड़ी, बल्कि ज़बरदस्ती करके जहर पे आऊँगे, दारू धक्कड़ ये सौदे पे आऊँगे, कोई भी नहीं कहेगा। वैसे ही बताऊँ, जो सच्चा दोस्त होगा ना वो एक कहेगा अक नहीं भाई तू डाइट पर, तू अपना अपनी मील्स ले रहा होगा या तू अपने हिसाब तक है खा पी जो तना करना, तो वो है सोसाइटी थोड़ा एक्सेप्ट ना करती। जो आजकल एक बढ़िया हेल्दी डाइट ले है, क्यों आजकल बाहर का खाना इतना हो गया है, मतलब मैं ऑफिस में भी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक सेब खाऊं था, एक बालका के बोला भाई डाइट चल रही करण, भाई डाइट चल रही, मगर डाइट सेब कत डाइट मान लग गया यार, चाड़ा हो गया, मतलब बेरा यो क्यों होता जा है। बाहर का खाना लोग बाग इतना खाने लग गए कि वो जो नॉर्मल खाना है ना घर का फल फ्रूट सेब संतरे, वो इतना डाइट लगने लग गया, मतलब इतना बुंडा काम हो रहा है आजकल। तो वो है भाई, मान सकूमा कहाँ को एक्सेप्ट तो ना करे तुमने, वो ठीक है ये जिंदगी है, कुछ पाना तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो वह सोशलाइजिंग कति कट गई अपनी भी, क्योंकि कितने भी जाओ कोई नू नहीं कहता चल जिम चला, चल आज रेस मार का, सब दारू पी ले वो कर लिया ये कर लिया। तो भाई अपन तो थोड़ा सा दूरी बना ली इन चीज़ों से सारे आदमियों से भी, चलो यो ये थोड़ा सा दुख बाटू था फ्राइडे नाइट, आज थोड़ा आराम तो सोवाएंगे, कल ना जाना कितने की टेंशन नहीं है, आराम तो उठाएंगे, बढ़िया मेहनत कराएंगे। चलो गाइस ठीक है, फिर ये प्रोटीन शेक ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद एक बार सबका जो भी अब तक देख रहे वीडियो, और तो कंटेंट आता रहेगा हर वीडियो में, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देगा थरा भाई, कोई दिक्कत ना है। चलो आड़े एंड कर आज का व्लॉग, बाय, गुड नाइट, चीयर्स, बाय।